नमस्कार मेरे बिहार पुलिस के सारे साथियों, आप लोग का जैसा कि पता है कि आज आप लोग का एग्ज़ाम था और किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, कट ऑफ क्या रहेगा, सारा चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी मैं पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और तमाम बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा राउंड करके। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जो कि एग्ज़ाम देकर आए हैं, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट वाले भी हैं, सेकेंड शिफ्ट वाले भी हैं, तो दोनों आज क्लियर होंगे और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, रीजनिंग कैसा आ रहा है, सारा चीज़ को लेकर मैं कन्फर्म करने वाला हूँ। थोड़ा सा इधर आइएगा, आप बिहार पुलिस का एग्जाम देकर आए। हाँ सर, मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम। सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? सेंटर पड़ा था मेरा मुजफ्फरपुर। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा, तो आप लोग का एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम अच्छा गया है। कौन सा विषय से ज़्यादा था? रीजनिंग थे, साइंस? रीजनिंग के केवल दो क्वेश्चन थे बस। दो क्वेश्चन? हाँ, रीजनिंग के दो क्वेश्चन थे। आपको कौन सा लगा, मैथ लगे या रीजनिंग लगे या साइंस? मुझे तो कोई टफ नहीं लगा, केवल रीजनिंग के दो क्वेश्चन थे, मैथ के 8 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप बनाए? मैं पूरा करके आया, कोई माइनस मार्किंग थी नहीं इसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो पूरा बना दिया? हाँ, पूरा बना दिया। मतलब सही कितना है? सही मेरे हिसाब से तो वही 75-80 के समथिंग सही होंगे। 75-80 के समथिंग सही होगा। तो मतलब पेपर का जो मॉडल, मतलब पेपर का जो अंदर आप बैठे थे तो बहुत सारे धांधली का बात चल रहे हैं कि धांधली हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। धांधली कहीं ऐसा नजर नहीं आया मेरे हिसाब से, तो मतलब एक नंबर काम हुआ है। धांधली वांधली का कोई लगा ही नहीं मुझे कि धांधली हो रही है। मतलब एग्जाम सही तरीके से हुए हैं और अच्छे बनाए हैं, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन इजी। आगे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 7 तारीख को आएंगे, 15 तारीख को आएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि मतलब तैयारी अच्छे से कर दे रही है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, पेपर का जो मतलब पैटर्न है ईजी टू मॉडरेट है, अच्छा पेपर आ रहा है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, और आपका भी एग्ज़ाम था जी, तो कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम सही गया है, सब कुछ अच्छा है। कितना क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन तो पूरा बना दिए हैं। पूरा बना दिए हैं जी। कुछ याद है क्वेश्चन? जी क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन याद है, बताइए एक आधो क्वेश्चन। क्वेश्चन था मतलब मैथ में था, वो संभव त्रिभुज क्षेत्रफल था, उसके भुजा 4 सेंटीमीटर था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो सबसे आसान आपको कौन सा लगा? आसान देखिए, अगर पढ़ के मतलब जाएगा तो सब कुछ मतलब मीडियम सही है। हाँ, क्वेश्चन सही है, पढ़ के जाइएगा तो बनेगा। पढ़ के जाएंगे तो बनेगा जी, बनेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, कौन सा सबसे आपको आसान लगा, ये लगा, सारा चीज़? आसान तो जैसे कि मैथ, रीजनिंग मतलब कम क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। धांधली को लेकर लगातार आवाज़ उठ रहे हैं, धांधली है, और लगातार सुबह से देख रहे हैं सारे मीडिया वाले धांधली को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या अंदर आप बैठे तो आपको कुछ दिखाई दिया? अंदर तो ऐसा मतलब कुछ बात नहीं है, मतलब अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखे हैं? जी जी, ऐसा बाहर में, बाहर में जो आवाज हो रहे थे ना, बाहर ना अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर सरल है, ठीक है, और उसमें जो साइंस के थोड़ा सूत्र वगैरह है ना, हाँ। साइंस के जो सूत्र वगैरह है थोड़ा उनको देख के जाइएगा, और मैथ के कुछ जो एडवांस के सूत्र है ना, क्षेत्रमिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये सब देख के जाइए, और थोड़ा करंट अफेयर्स 2023 का खेल से संबंधित देख के जाइए, कुछ हिस्ट्री देख के जाइए, और कुछ संविधान से देख कर जाइए, ज्योग्राफी भी देख के जाइए, थोड़ा थोड़ा मतलब जो बेसिक है ना वो सब कुछ देख के जाइए तभी। आप कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से एग्जाम देने हैं बिहार, अभी शायद ट्रेन का वेट कर रहे हैं। जी जी जी। तो आगे आने वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले स्टूडेंट से यही कहेंगे कि जी के साइंस सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक जरूर देख लीजिए, इतना टफ नहीं आ रहा, मॉडरेट पेपर है। सेंटर पे क्या क्या लगा लेकर जाने के लिए, क्या क्या लेकर जाएगा? सेंटर पे कुछ नहीं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड और पेन, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। और अंदर में कुछ धांधली का ऐसा कोई भी कुछ नहीं है, झूठ का अफवाह चल रहा है? अफवाह चला, वो तो सब कुछ अफवाह चल रहा है, 12 लाख में सेटिंग का मीटर, वो तो सब अफवाह है। और एक मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ, वो कौन खोए हैं आपके, मतलब कौन थे? बीबी है। आपकी पत्नी खो गई है, कितना दिन पहले खोई है? बुधवार को खोई। रोना नहीं है, जो है क्लियर तरीके से अच्छे से आवाज में बताइए। तो बुधवार को खोई है, कहाँ पर ऐसे खोई थी? ये इंदिरा गांधी GMS। हाँ, IGMS में। तो अभी तक मिली नहीं है वो? नहीं। नाम क्या था? अरुणा देवी। हाँ, अगर अरुणा देवी कहाँ के थे? वो हमारी पत्नी है। कहाँ से आप लोग हैं? अरुणा देवी खगड़िया से। अररिया से? खगड़िया के। कोई भी अरुणा देवी आपको मिले तो आप मेरे अवार्ड सेक्शन में नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे से कनेक्ट करने का कोशिश करिएगा, और मैं उनका आधार कार्ड का फोटो भी खींचकर लगा दे रहा हूँ। जिनको भी मिले तो कांटेक्ट करने का कोशिश करिएगा, मुझे मैसेज करने का कोशिश करिएगा, मेरा अवार्ड सेक्शन में चैनल के नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपका नंबर ले लेते हैं, और जैसे ही अगर कोई बताते हैं तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा। मैं पटना ही में रहता हूँ तो आपको ये कनेक्ट हो जाएंगे। और भी जो स्टूडेंट है बिहार पुलिस के, और कौन कौन से स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देकर आए? अभी तो हम बता दिए। हम बता दी, तो और खुलकर बताइए क्या आने वाले होंगे आगे, जो स्टूडेंट लोग आ रहे हैं क्या करना है इनको? इसमें साफा एक बात है, पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। पढ़ के जाएंगे मतलब क्वेश्चन मीडियम सही है, और ज़्यादा क्या कहें हम, मतलब मीडियम था, क्वेश्चन बनाने लायक। हाँ, क्वेश्चन बनने लायक है। और आप जो बता, आप कितना क्वेश्चन बनाए? जी क्वेश्चन तो पूरा कर गया है, लेकिन उसमें से मेरा 70-80 के बीच में रहेगा। मतलब इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने वाले हैं क्या? कट ऑफ जाएगा, 70 के ऊपर जाएगा, कट ऑफ 70 ऊपर चल जाएगा। जी, सरल है पेपर, मतलब पेपर बहुत आसान है, इसीलिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाएंगे। जी जी, सरल है पेपर। तो देख रहे हैं जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पर एग्जाम देकर आए हैं, और जैसा कि बताया गया कि पेपर आसान था। धांधली का जो मैटर चल रहे हैं कि बिहार में धांधली का आवाज़ हमेशा उठ रहा था,
बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। बिहार में सही से काम किए जा रहे हैं और खासतौर पर आप देख रहे होंगे बीपीएससी का, उस तरह से सीएसबीसी का भी लिया जा रहा है, आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। सारा जैमर उमर लगाए गए थे सारे जगह जी, हाँ तो सारा व्यवस्था था, ऐसा कुछ धांधली नहीं था, झूठ का अफवाह उड़ रहे हैं बच्चे लोग, जो बोल रहे हैं सेटिंग कराया जा रहा है वो एक तरह से अफवाह एक तरह से बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहेगा, जैसे ही और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है और जैसे ही अगला इंटरव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा, तो सारे सुन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।